सिलेबस पढ़िया होएगा तो उन्हें विच है एक लर्निंग और थ्योरीज ऊपर टॉपिक। अगर तुसी पीटेट और सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुहानू ये टॉपिक वैसे भी कवर करना जरूरी है। सो अज के टॉपिक दे विच आपां देखांगे लर्निंग प्लस थोर्नडाइक की थ्यूरी और उन्हें प्रिंसीपल्स की है, मतलब सीखना की है थोर्नडाइक्स ने की थ्यूरी दिती है इन्हें उपर और उसके सिद्धांत की है उन्होंने बारे आप चर्चा करांगे। सो एक चीज़ होर कहनी है, मैं अज उन्होंने लिए एक बुरी खबर आ, जेडे स्क्रीन पर मार्क करते सी वो अज नहीं कर पाएंगे। सो पहले ही तुसी लैफ्ट करना तो कर सकते हो। सो सब तो पहला आप क्योंकि सीखने की गल की है, सो सब तो पहला आप जानेंगे सीखना की है। सीखने इंग्लिश में लर्निंग कहें और हिंदी में अधिगम कहें, ठीक है। सीखना की है एक व्यापक और निरंतर अते जीवन भर चलन वाली प्रक्रिया है, मतलब जदों भी बच्चा कोई जन्म लेंदा है तो उदों ही उनकी लर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है और वो जीवन तक चलती रहती है जदों तक उनके प्राण पखेरू नहीं उड़ते, मतलब जदों तक वो सीमियां च नहीं पहुंचता, ठीक है। उदों तक उनकी लर्निंग चलती रहती है। हुण तुसीं कहोगे कि लर्निंग तो उदों तक हुंदी है जदों तक बच्चा स्कूल दे विच हुंदा है, पर इवें दा नहीं है। बच्चे नूं अपनी लाइफ दे विच बहुत बंदे नूं अपनी लाइफ दे विच बहुत कुछ सीखण नूं मिलता है। कई कई इहो जिहियां फील्ड ने उहनां दे विच लगातार ही सीखना जो है चलता रहिंदा है, भावें नॉर्मल इंसान भी कोई जिंदगी जी रहा उनकी लाइफ दे विच भी सीखना लगातार चल रहा है। अगर तुसीं स्टडी नहीं कर पा रहे हो तां लाइफ दे विच भी इहो जिहियां कई घटनावां हुंदियां जिन्हां तों तुसीं सीखदे हो हर रोज़ डेली सीखदे हो, ठीक है। इस दे नाल की है वो अपने आप नूं वातावरण के अनुकूल बनाउण की कोशिश करता है, मतलब जो भी वह सीखता है वो अपने समाज के किवें विचरना उन्हें उन्होंने उन्हें विच ढालदा है, ठीक है। जदों समाज के नाल समायोजन करता है, मतलब एडजस्टमेंट करना सीख जाता है लर्निंग के द्वारा, तो उस प्रक्रिया नूं मनोविज्ञान की कहिंदा है, सिखलाई है। मनोविज्ञान के द्वारा सिखलाई उही है जदों मनुख लर्निंग करके अपने वातावरण नाल एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ सीखी है तो उन्हें किवें अपनी लाइफ दे विच यूज़ करना है वही चीज़ है एडजस्टमेंट करना, ठीक है। कल कोई कह रहा सी कि थोड़ा जिहा स्लो पढ़ाए हो, इसलिए मैं थोड़ा जिहा स्लो चल रहा। सो हुण आपां देखदे हां कि एक एग्जाम्पल लैंदे हां। वैसे तो लर्निंग का मतलब है कि सीखना अते व्यवहार विच परिवर्तन, क्योंकि जो मनोविज्ञान है बेसिकली वह की कह रहा है कि व्यवहार के व्यवहार का विज्ञान जो है वह मनोविज्ञान है। इसकी थ्यूरी दी है वोटसन ने, ठीक है। उस तो पहला आत्मा का विज्ञान किया गया सी, फिर मन का, फिर चेतना का, हुण व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान जो है। सो आप एक एग्जाम्पल लें कि जो भी कोई छोटा बच्चा होंदा है वह देखता है कि कोई जल्दी हुई मोमबत्ती है। एक मिनट मैं म्यूट कर लाँ। वो देखता है कि कोई मोमबत्ती जल रही है तो उन्हें उनकी लाट नू फड़न की कोशिश करता है, लेकिन जो लाट नू हाथ लाता है तो उनका हाथ जो की है जलना शुरू हो जाता है। इस तो वह सीख जाता है कि कोई भी जल्दी हुई चीज़ नू नहीं छूना चाहिए, मतलब उनके व्यवहार के परिवर्तन आ गया कि जल्दी हुई चीज़ अगर मैं छूवगा तो मेरा हाथ सड़ेगा, ठीक है। हुण लर्निंग के उपर लर्निंग जो है एक मानसिक क्रिया है, मतलब वो फिजिकल क्रिया नहीं है, मानसिक क्रिया है। इन उपर क्वेश्चन आता है कि लर्निंग किस प्रकार की क्रिया है। लर्निंग एक मानसिक क्रिया है, मैंटल एक्टिविटी है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मतलब जिसन व्यक्ति जानबूझ के अपना, मतलब कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा उन्हें सीखना है कुछ तो उसनों जानबूझ के ही अपनाया जाता है, ठीक है। सो इस कुछ डेफिनेशन भी दी हुई हैं कि सीखने की परिभाषावान ने, लर्निंग की डेफिनेशन ने। सब तो पहला इन्हों उपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये सीखने की परिभाषा किसने दी है। सो तीन मेन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं परिभाषावान स्क्रीन पर जो शो हो रही हैं उन्होंने बारे दसागा तू। स्किनर की कह रहा है कि सीखना व्यवहार के अगह वाधू व्यवस्था की प्रक्रिया है। रिपीट कर रहा, सीखना व्यवहार के अगह वाधू व्यवस्था की प्रक्रिया है, ठीक है। सैकेंड वुडवर्थ की कह रहा है, सीखना नवा ज्ञान और नवे एक्टिविटी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और थर्ड है करो और करो, वो की कह रहा है, सीखना आदतों और ज्ञान और रवैया मतलब एटीट्यूड की प्राप्ति है। हुण मैं इन्हां नूं एक्सप्लेन करदा एक एक करके वन बाय वन। स्किनर की कह रहा, सीखना व्यवहार के अगह वाधू व्यवस्था की प्रक्रिया है, मतलब अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उनके बिहेवियर के चेंज होना जरूरी है। अगर उन्हें कोई भी चीज़ सीखी है तो मतलब उनके बिहेवियर के चीज़ चेंज हो रही है,
मतलब किसी नूं अगर आपां मैथ दे विच कोई चीज़ समझा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस समझा रहे हैं, अगर वो मार्केट दे विच जा रहा है तो बच्चे दे विच आएगा कि इस चीज़ तो मैनू लाभ हो रहा है, इस चीज़ तो मैनू हानि हो रही है, ये चीज़ मैनू खरीदनी चाहिए है, ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब स्किनर इस नाल ही रिलेट कर रहा है कि उनके व्यवहार दे विच अगां वधू, मतलब बैक बैक दे विच नहीं जा रहा, पॉजिटिव जो है वो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो लर्निंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पासों होती है, लेकिन स्किनर सिर्फ पॉजिटिव की गल कर रहा है। वुडवर्थ की कह रहा है, सीखना नवा ज्ञान अते नवी एक्टिविटी प्राप्त करने की गल कर रहा है। ठीक है, जिवें स्किनर कह रहा है उवें ही वुडवर्थ भी कह रहा है। क्रो और क्रो की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी जी इन्हां तो अलग है। ये की कह रहा है, सीखना आदतां मतलब हैबिट दे विच परिवर्तन, फिर ज्ञान नॉलेज दे विच परिवर्तन, फिर कह रहा है रवैये दे विच मतलब एटीट्यूड दे विच। तीन वर्ड कीवर्ड आए हैं इन दे विच करो और करो दी डेफिनेशन दे विच। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ नू सीख रहा है तो उनकी आदत बदलती है, मतलब अगर तुसी योगा लगातार कर रहे हो तो योगा तुहाडी आदत दे विच टल जाएगा। फिर दूसरा है नॉलेज, नॉलेज भी इनक्रीज होंगी है, अगर आपां सीख रहे हैं तो कोई चीज़ नू पढ़ रहे हैं तो अपनी नॉलेज ऑटोमैटिक जो है इनक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एटीट्यूड दे विच भी अपना वेखन का, किसी चीज़ नू वेखन का नज़रिया भी बदलता है। ठीक है, हुण की है लर्निंग नू प्रभावित करने वाले कारक केड़े केड़े आ, केड़े केड़े फैक्टर आ जो लर्निंग नू प्रभावित करते हैं, इन्हों उपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक कारक दसो जो लर्निंग नू प्रभावित करता है। नौ बेसिकली जो कारक ने वो लिखे हुए हैं, इन्हों मैं एक बार रीड कर रहा फिर वन बाय वन समझावगा कि ये की है। फर्स्ट है मुढ़ली सिखलाई, सैकेंड है विषय वस्तु का स्वरूप, थर्ड है विषय प्रति रुचि, फोर्थ है सीखण की इच्छा, फिफ्थ है सीखण का तरीका, सिक्स्थ है प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, सैवंथ है वातावरण, एट्थ है थकावट, नाइन्थ है शरीरक मानसिक सेहत, और टेंथ है वंश मतलब अनुवंशिकता। ठीक है, हुण वन बाय वन आपां इन्हां नूं देखदे हां कि ये की किवें करक इफेक्ट करदे आ अपनी लर्निंग नूं। मुढ़ली सिखलाई मतलब अपनी बैकग्राउंड लर्निंग की है, मतलब इहदे विच देखिया जांदा है कि बच्चा किस लैवल ते सीख रहा है, बच्चा गुड सीख रहा है या एवरेज ते सीख रहा है या बिलो लैवल ते सीख रहा है। फिर देखिया जांदा विषय वस्तु का स्वरूप की है, जो करीकुलम बच्चे नूं स्कूल दे विच पढ़ाया जा रहा है वह करीकुलम बच्चे की एज नाल, उसकी मैंटल एबिलिटी नाल या होर आउंदियां जो भी फिजिकली या मैंटली इमोशनली जो भी एक्टिविटी है उन्हां नाल रिलेट करदी है। फिर देखिया जांदा विषय प्रति रुचि, आपां देखदे हां कि अपनी किसी एक सबजैक्ट के प्रति रुचि ज़्यादा होंदी है, मतलब उस सबजैक्ट नूं अपने पढ़न का मन जो है बहुत ज़्यादा करता है, जिवें किसी का मैथ नूं, किसी का किसी होर सबजैक्ट नूं, किसी का साइंस नूं, किसी का पंजाबी नूं। ठीक है, फिर सीखण की इच्छा, इच्छा मतलब अपनी किन्नी कु इच्छा है, आपां किस चीज़ नूं किन्ना कुछ सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर सीखण का तरीका, इहदे विच टीचर किस मैथड नाल सिखा रहा है, लैक्चर मैथड नाल, डिस्कशन मैथड नाल, प्लेवे मैथड नाल, को करिकुलर एक्टिविटी नाल। फिर है मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरह की होंगी है, एक अंदरूनी और एक बाहरी। अंदरूनी मतलब जो अपने आप अंदरों निकलती है, बाहरी जो किसी द्वारा दिती जाती है। ठीक है, फिर एनवायरमेंट, किहो जिहे एनवायरमेंट दे विच लर्निंग हो रही है, मतलब कोई स्कूल है जो बिल्कुल रोड के उत्ते है, अगर उनके लगातार जो है आवाजाही हो रही है, होर्न वज रहे हैं, तो एनवायरमेंट बिल्कुल लर्निंग के ओपोजिट आ, उत्थे पढ़ाई कोई नहीं होएगी। अगर जो स्कूल है या कॉलेज है वह बिल्कुल यहोजी जगह पर है जिथे साफ सुथरा वातावरण है, मतलब लर्निंग का माहौल बिल्कुल वधिया डिवेलपमेंट किया जा सकता है, वह जी जगह पर बच्चा ईजली सीखेगा। फिर आता है थकावट, मतलब आपां लर्निंग करते समय किन्नी कु थकावट हो रही है, शरीरक मानसिक सेहत, कुछ बच्चे देखते हैं कि बच्चे डिसबिलिटी नाल होंगे, मतलब अपंगता के शिकार होंगे, किसी फिजिकली मैंटली या इमोशनली जो है डिसबिलिटी होंगी है। ठीक है, फिर वंश के आधार पर भी फैक्टर जो है इफेक्ट करता है, मतलब बच्चे के पेरेंट्स किन्ने कु पढ़े हुए आ, उनके जीन्स जो है वह इफेक्ट करते हैं बच्चे की लाइफ से। हुण गल करते हैं सीखने के सिद्धांत की आ, प्रिंसीपल की आ लर्निंग के। फर्स्ट है यतन अते भुल विधि, ये किसने दिती, थोरने डाइक ने, इन्हों अगे आप थोरने डाइक बारे डिटेल दे विच पढ़ांगे। सैकेंड है बौद्धिक विकास की थ्यूरी, ये जीन प्याजे ने दिती, जिन्हों कोगनेटिव थ्यूरी भी कहते हैं इंग्लिश दे विच। थर्ड है सोशल लर्निंग थ्यूरी, ये अलबर्ट बंडूरा ने दिती है, भी बच्चा समाज दे विच ही सीखता रह के। अलबर्ट बंडूरा कनेडा के रहने वाले सी,
ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਵਲੋਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਹੈ ਪੁਨਰਬਲਨ, ਮਤਲਬ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਅਭਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਆ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਬੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉੜਾ ਉੜਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਦੋ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਵਨ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਟੂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਵੇਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ USA ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਸ਼ਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਮੇਜ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਕਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਕਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਬੋਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਜ਼ਲ ਬੋਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਤਦੀਪਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋਰਨਡਾਇਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਮੱਛਲੀ ਰੱਖਤੀ ਆ ਮਰੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਬੋਕਸ ਹੈ, ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੱਪਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਹ ਜੋ ਹੈ ਡੋਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਜੋ ਹੈ ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਕਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਹੱਥ ਉਹ ਇਸ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਥੋਰਨਡਾਇਕ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
मतलब बिल्ली नूं यतन करदे करदे मतलब प्रैक्टिस करदे करदे उन्हूं पता लग जांदा है कि सिर्फ लीवर दे नाल ही डोर खुल रहा। सो एक टाइम इहो जिहा आउंदा है कि बिल्ली जो है फर्स्ट टाइम दे विच उन्हूं अगर डोर दे बॉक्स दे विच बंद कीता तां बिल्ली फर्स्ट टाइम दे विच ही अटैम्प्ट करदी है और लीवर नूं नपदी है तां डोर खुल जांदा है। मतलब इस नूं ही कहा गया है कि यतन करदे रहो, भुल्लां करदे रहो, भुल्लां करदे करदे ही तुसीं सिखोगे। मतलब ये सिद्धांत जो है थोरने डाइक ने दिता है, यतन अते भुल विधि। मतलब जिन्ने आपां यतन करांगे उन्नियां अपनियां गलतियां होणगियां, पर बट एंड ते इहो जिहा टाइम आएगा कि अपना जो यतन होएगा इक्को वारी दे विच ही आपां अटैम्प्ट करांगे। फिर की है, थोरने डाइक ने तीन सिद्धांत भी दिते अपनी थ्यूरी दे नाल। ये तिना सिद्धांतों उपर भी क्वेश्चन आ जांदा है, ऑप्शन दे विच लिखे होंदे आ ये तिने सिद्धांत, और पूछा जांदा है कि कहड़ा सिद्धांत जो है थोरने डाइक ने नहीं दिता। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सैकेंड जो है अभ्यास का नियम, और थर्ड जो है परिणाम का सिद्धांत, मतलब प्रभाव का सिद्धांत। इन्हों हूँ वन बाय वन जो है आप रीड करते हैं। फर्स्ट है तत्परता का नियम, मतलब किसी काम को करने लिए अपने कि खिज हैगी है, मतलब किन्ने को आप सॉरी तैयार हाँ, ठीक है। इनू ही कहें तत्परता का नियम। हम जो ब्ल्यू किया है वह लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है इन दे, बट आपां नूं पूरा नियम पता होना चाहिए। तत्परता का नियम की कहिंदा है कि कार्ज करन तो पहला आपां किन्ने कु तत्पर हाँ, यह जानना आपां नूं जरूरी है। जे असी कोई कार्ज करन लई या सीखन लई तत्पर हाँ तो आपां की करदे हाँ, जल्दी सीख आने उस काम नूं। तत्परता विच कार्ज करन लई उम्मीद नहीं की जाती, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तत्परता जदों होएगी तो उस दे विच कोई भी आपां एक्टिविटी होएगी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन तत्परता होनी जरूरी है किसी काम नूं करन दे विच, ठीक है। अगर अपने दे विच कोई तत्परता ही नहीं है, आपां तैयार ही नहीं है कोई काम करन दे लई, सो आपां उस काम नूं किवें नेपरे चाड़ांगे, मतलब किवें आपां उस काम की एंडिंग करांगे। यही है तत्परता दा नियम। सैकेंड है अभ्यास का सिद्धांत, मतलब प्रैक्टिस करना। तत्परता तो बाद आंदा है ये, इन्हां नूं तुसीं सीकुएंस दे विच भी याद रखना। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सैकेंड है अभ्यास का नियम, फिर थर्ड आंदा है प्रभाव का नियम। इन्हां दी सीकुएंस भी पूछ ली जाती है एरो दे के क्वेश्चन दे विच, ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत है की कहिंदा है कि तुसीं जिन्ना अभ्यास करोगे उन्ना ही आसानी नाल सीखोगे। मतलब अगर आपां क्रिकेट की एग्जाम्पल लैने, कोई खिडारी जो है बाउंसर उन्हू आप सुट रहे हैं तो की है बाउंसर नाल आउट हो रहा वार वार, लेकिन वह की करता है मैच तो बाद प्रैक्टिस करता है नैट के उपर जाके, उन्हू वार वार बाउंसर डालिया जाए गेंदा कोई बोलर डाल पाँदा या मशीन के थ्रू, सो उन्हू बाउंसर ही वार वार सटिया जा रही हैं क्योंकि वह बाउंसर तो वार वार आउट हो रहा, ठीक है। वह बाउंसर का ही अभ्यास कर रहा है कि मैं बाउंसर तो आउट ना होवं, मैं बाउंसर नू हिट करा और सिक्स जाए या बाउंड्री जाए या कैच आउट ना होव, ठीक है। यही कहिंदा अभ्यास का सिद्धांत, यही अभ्यास का सिद्धांत हुण अपनी लर्निंग दे विच किवें करदा आपां नू मदद। आपां देखदे हां कि बच्चे नू शुरू दे विच लिखना सिखाया जांदा और ए बी सी आपां लिखदे हां तां उनके सामने डोट्स बनिया होंदियां, डोट्स के उपर ही लिखा होंदा ए बी सी, मतलब उन्होंने वेख के उपर ही पेंसिल चलानी है आप, ठीक है। शुरू के बच्चा एवं ही सीखता, आप सब ने भी एवं सीखा, यही अभ्यास है उनका कि पहला तो डोट के उपर पेंसिल चलाए, फिर डोट जो है थोड़े घट किए जाते हैं, पहला ए पूरा डोट नाल ही भरया होंगे, तुम देखा होगा छोटिया क्लासा की बुक्स के, ठीक है। थर्ड जो है सिद्धांत है वह की कहता प्रभाव का सिद्धांत, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बंदे जिस काम के करन दे विच सुख महसूस हुंदा है, उसनू कोई उस काम की प्रशंसा कर रहा है या उन्हें कोई पुरस्कार मिल रहा है तो वह की करता है बंदा काम नू वार वार करता। अगर मैनू ही मैं कोई यहो जिहा काम कर रहा कि मैनू उस काम नू करन ते कोई इनाम वगैरह मिल रहा है गवर्नमेंट दे वल्लों या कोई होर फील्ड दे विच्चों या कोई मैच जितों तो बाद ट्रॉफी मिल रही है, तो मैं की करांगा उही काम नू वार वार करांगा, अपने काम दे विच सुधार करांगा। लेकिन जिस काम नू करन दे विच आपां नू दुख मिलता है, आपां नू सज़ा मिलती है, आपां की करदे हां उस काम तो भजदे हां। एक बारी गलती हो जाती है तो आपां उस काम दे नेड़े ही नहीं जांदे जल्दी कितें। फॉर एग्जाम्पल लैंदे हां, कोई आदमी जो है बाइक चला रहा है बिना हैलमेट के, अगर पुलिस उसका चलान करती है तो कि नैक्सट टाइम बिना बाइक चलाते समय कि हैलमेट तो बिना जाएगा। मोस्टली देखा जाता है कि जाते भी आ कई, लेकिन
अगर किसी ने गलती की है उसका चलान हो गया है, हुण तां फाइन भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रख्या होया। सो बेसिकली हुण की है, बंदा दोबारा गलती नहीं करेगा, वो उन्ने दा हैलमेट ले लेगा 600-700 दा, उस तो उस दे बदले कि 2000 उन दा चलान होए, ठीक है, मतलब वो उस काम नू करन दा परहेज करेगा। हुण गवर्नमेंट ने की किया होया कि चंडीगढ़ जाओगे या दिल्ली जाओगे तुसी मैट्रो स्टेशन दे विच मास्क नहीं पहने होया कोविड दे टाइम, तो तुहानू फाइन मिलेगा, लगेगा काफ़ी सारा फाइन रखा। चंडीगढ़ दे विच तां 500 फाइन है और दिल्ली दे विच भी शायद इन्ना ही है। सो अगर किसी ने मास्क नहीं पहनया होया तां उहनू उह दुबारा गलती नहीं करेगा अगर उसका एक बारी फाइन हो गया तां, ठीक है। आज दी मीटिंग दे विच इन्ना ही सी, अगर किसी का कोई डाउट है तो हो सकता है हुण वन बाय वन हैंड रेज करियो और मैं सब दे क्वेश्चन दे आंसर देना, कोशिश करियो वन बाय वन। सब तो पहला तो दस दो कि सब नू समझ आया, माइक म्यू अनम्यूट हो रहे हैं ताडे? हाँ जी अर्शदीप, ओके ओके ओके, वन बाय वन हैंड रेज कर लियो क्योंकि सारे बोलोगे तो फिर आवाज किसी दी क्लियर नहीं आएगी, फिर डाउट ओवें ही रहेंगे। मैं तुहानू वीडियो दे विच भी दसते हैं कि कितों क्वेश्चन की बनता, ठीक है। करमजीत कौर, हाँ जी ताड़ा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, उन्होंने मैं चैट दे दूँगा। ओके एक बारी मैं चैट पढ़ ला, चैट दे विच अगर कोई क्वेश्चन आया तो उन्होंने। गुरप्रीत कह रहे हैं कि मैनू आवाज़ नहीं आ रही, बाकियों नू आवाज़ आ रही सी सब सारी वीडियो दे विच? ओके कुलदीप कौर कह रहे हैं सर ट्यूब ट्यूब सिर्फ ट्यूब लिखे होने का मतलब नहीं है कि ट्यूब की है, यूट्यूब की गल कर रहे हो या कोई होर ट्यूब की, साइकिल वाली ट्यूब की गल कर रहे हो? गिल गिल भी, हाँ यूट्यूब का लिंक मैं चैट के सेंड किया है, सब तो उपर जाके तुसी देख लोगे, उन्दे ते क्लिक करोगे तो वो यूट्यूब ते प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अरमनजोत कह रहे हैं सर जी बहुत वधिया करवा रहे हो, थैंक्स जी। थैंक्स अरमनजोत। बिंदरपाल कह रहे हैं सर जो ये लैक्चर ने इस नू दोबारा भी सुन सकते हैं? हाँ जी बिंदरपाल, ये यूट्यूब ते अपलोड होणगे, सो तुसी इन्हां नू दोबारा सुन सकते हो। बिना मास्क दे जाओगे तो 2000 रुपये चलाना, हाँ जी हो गया होएगा 2000 भी, क्योंकि गवर्नमेंट आपदे वल्लों भी कोशिश कर रही है अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो चलान तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। सर पेपर पोस्टपोन हो सकता है एनटीटी का? देखो मैं कुछ कहंगा तो कल नू अगर पोस्टपोन नहीं होंदा तो तुसी तैयारी छड़ दोगे, सो इसलिए लैके चलो कि 27 नू ही है पेपर। एक मिनट वीरे मैं तुहानू रिप्लाई करदा, बस मैसेज दो तीन रह गया। सतवीर कौर कह रहे हैं सर प्लीज ग्रुप विच पीडीएफ भी बना के सेंड कर दो। हाँ जी वीडियो मिल जाएगी तुहानू सब नू, ऑल क्लीयर रेनू बाला यस सर, सर पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो मिलेगी जोत कौर मेन लेट जो मैं लॉ एक ही लिखा हुआ यार 555 ने मैं लेट ज्वाइन किया है जिस एग्जाम रिलेटिड आ, कोई भी है अगर टीचिंग एग्जाम टीचिंग फील्ड दे विच जा रहा उन्हें सब लई सी अज का लैक्चर, बी एड डी टी टी एन टी टी सी टैट पी टैट राजस्थान टैट, अगर कोई भी टैट की एग्जाम की भी उन्होंने लिए है, थोर्नडाइक्स दियाँ थ्यूरिया दी होर भी नेम आ। ओके नाइस एग्जाम एक्सप्लेनेशन वेरी इंट्रस्टिंग लैक्चर, डेली होंगी मीटिंग रेनू बाला, हाँ जी डेली होंगी, कल दो होनी सी बट किसी कारण नहीं हुई रात वाली। मंजू कह रही है सर प्लीज़ थोड़ा इंग्लिश विच भी डिक्टेट कर दिया करो, अच्छा करांगे अगली बारी ट्राई, बाकी बहुत वधिया ठीक है। ओके हाँ जी हुण किसी का कोई डाउट है, सारे मैसेज रीड हो चुके हैं, सो ये तो देखो एग्जाम तो बाद अगर स्क्रूटनी दे टाइम ही पता लगेगा कि रख दे या नहीं, या जो केस लगेगा उस तो बाद ही कोई डिसीजन होएगा, मैं तो कोई इन्हें टिप्पणी कर नहीं सकता। सो
हाँ जी करमजीत कौर, अनम्यूट करो अपना माइक, फिर आवाज आएगी। हाँ जी ये नहीं पता मैनू, ये तुसी कंफर्म करो एंटिटी किन्ने साल पहले वाली चल रही है। गलत गाइड करने नालों चंगा है कि तुसी होर किस तो इनकी इनफॉरमेशन ले लो। कुलविंदर कौर? हाँ जी 22 जून है, 27 नू है, जून नहीं, 27 जून ही कह रहे हैं ना, आही जून नू ही है 27। हाँ जी क्लास हाँ जी लग कल नहीं हुई टू टाइम, कल कोई प्रॉब्लम सी ऐसे करके नहीं हुई, सो आज देखांगे सेकंड टाइम नहीं हुए रात में। हाँ जी सब तो ऊपर लिंक शेयर किया है, मैं फिर एक बारी कर रहा हाँ, तुसी इन्हें देख लो चैट बॉक्स दे जाके। गुड एफर्ट, थैंक यू सर, बहुत वधिया क्लास सी सर। डेली मीटिंग टाइम 11 बजे है। जोत कौर सर, जोत कौर डेली मीटिंग का टाइम 11 बजे नहीं है, सो कोई भी टाइम नहीं है हजे सेट होया। 1 घंटा पहला ग्रुप दे विच इनफॉर्म कर दिता जाता है कि मीटिंग 1 घंटे या 2 घंटे बाद होएगी, सो थोड़ा जहा चेक करते रहा करो। और किसी का कोई क्वेश्चन? अमरजोत? हाँ जी एंटिटी ले भी आ, और जो भी टीचिंग फील्ड दे विच कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा उन्हें सब ले आ, बीएड ले भी आ, क्योंकि थ्योरीज सब ले एक ही आ, सेम डेफिनेशन सब ले सेम रहनी। हाँ जी नहीं, उधर नहीं है कोई भी नायब तहसीलदार नाल रिलेट नहीं करता, ये सिर्फ टीचिंग फील्ड नाल रिलेट करता, या जो साइको कर रहे हैं। हाँ जी देखो मैं टॉपिक टॉपिक स्पेशल मेंशन किया होया सी जूम मीटिंग दे लिंक दे विच। हाँ जी गुरप्रीत कौर, अज उपर भी लैक्चर लाँगे, कोलबर्ग की भी थ्योरी आ, और भी थ्योरीज ने काफ़ी जो मेन इंपोर्टेंट है, वाइगोत्स्की की आ, उन्होंने उपर भी लाँगे। कल दो थ्योरिया करांगे या अज रात नू देखांगे कि दो दो और थ्योरीज हो जाए। थैंक यू। हेलो कौन? कुलदीप हेलो कौर जलाल? स्किनर की थ्योरी भी करवा दूंगी, देखो मेन जो है इम्पोर्टेंट तो सारिया हो गई, फिर सारिया करनिया पैनगियां, लेकिन एनटीटी दे विच कोई मेंशन नहीं है कि किस दी थ्योरी करी जाए, सो मैं पीटेट नू लैके चल रहा हूँ। पीटेट दे विच भी 3 स्पेशली नेम मेंशन आ, सीटेट विच भी मेंशन आ, सो आपां सिर्फ मेन मेन दी थ्योरीज करांगे, क्योंकि थोर्नडाइक दे उपर स्पेशल यही क्वेश्चन आ जाता है कि उन्हें किस उपर प्रयोग किया सी, उन्हें बक्से का नाम की सी, पजल बुक सी, बिल्ली उपर प्रयोग किया सी, इस तरह। हाँ जी कोई होर? एक मिनट वीडियो लेक्चर मिलेगा ही। वीडियो लेक्चर मिलेगा ही यूट्यूब पे, लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में जाके देख सकते हो। लिंक कैन नॉट वर्क, कोई नहीं लिंक वर्क नहीं कर रहा था, मैं टेलीग्राम ग्रुप्स के उपर और वट्सएप ग्रुप के उपर भी शेयर किया है। मीटिंग 2-3 मिनट में क्लोज होने वाली है, अगर किसी का कोई है डाउट तो पूछ सकते हो सर। लिंक वट्सएप बने, वट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे।
हां जी बोलो। सब मीटिंग्स जो हुई हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैं 2-3 दिन हो गए सर, एक प्रॉब्लम है कि 11 बजे तो बात ही लगा लिया करो, कल मेरे को लगी नहीं हुई। अगर तुसी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਜੂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ USA ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਿੰਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ, ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ WhatsApp ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ WhatsApp ਵਾਲੇ ਚ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਭ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਆਇਰੀ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਨਜੋਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਕਿਤਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬਸ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸਰ, ਕਰ ਦਈਏ ਕਲੋਜ਼। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਜੀਤ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ